मोदी सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, हर किसी को उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो मोदी ब्रांड चल रहा है अभी, बस उसी कारण भाजपा को वोट देंगे लोग। बीजेपी के रुझान दिख रहे हैं, ये कुछ भी बोलते हैं राहुल गांधी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बीजेपी ही जीतेगी। और चुनाव देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है बैठकर तो आवाज उठाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। भाजपा आना चाहिए, भाजपा ही आएगी भी, मोदी जी जिंदाबाद। कांग्रेस को वोट जाएंगी, कांग्रेस ही और कांग्रेस को ही वोट देंगे उधर। अपने यहाँ पे बेरोजगारी के ऊपर वोट जाएगा इस बार। दोनों पार्टी तो वैसी ही है, कांग्रेस बीजेपी, कोई ऑप्शन भी नहीं बचता अपने पास में। अब सेकंड बीजेपी को ही दो, ऐसा है, कोई ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे। इस बार भी कांग्रेस ही तरफ जाएगा परसोड़ा। सरकार चेंज होना चाहिए, बदलाव से ही आम जनता का फायदा होता है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव का सर्वे करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है बालाघाट में। जी हाँ, बालाघाट की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक सीट है, लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं ये एक ऐसी लोकसभा सीट है 543 में से जहां पर कुछ अलग ही आंकड़े देखने को मिलते हैं। दरअसल अगर बात की जाए यहां पर अधिक जो मतदाता है वो महिला है। जी हाँ, अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 1000 पुरुषों की तुलना में 1014 महिला जो है यहाँ पर वोटर है। और वहीं अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे तो जहाँ एक तरफ 9,29,000 जो पुरुष मतदाता इस बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की अगर बात करें तो 9,41,000 जो है महिलाएँ इसमें जो है इस बार वोट करेंगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने भी इस बार जो है वो महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, भारती पारदी, जो पार्षद अभी तक वार्ड नंबर 22 बालाघाट की पार्षद थी, उनको सीधे जो है अब संसद का टिकट दिया गया और पहली बार बीजेपी की तरफ से यहां पर एक महिला प्रत्याशी को उतारा गया है मैदान में। आइए बात करेंगे यहां की जनता से, उनकी राय जानेंगे चुनाव को लेकर के उनको क्या लगता है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अकाउंट सब फ्रीज हो गए हैं। दरअसल एक पुराना जो मामला जो नोटिस थमाया गया था 2018-19 में, उसको लेकर के जो इनकम टैक्स की तरफ से अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, उसको लेकर के ही कांग्रेस ने कहा है कि हमारे पास तो पोस्टर छपवाने के पैसे नहीं है। और राहुल गांधी जो हैं वो फिर से कह रहे हैं शक्ति को लेकर, फिर से उन्होंने कहा है असुर शक्ति को लेकर के उन्होंने जो है वो यहाँ पर कमेंट किया है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि हमारी पार्टी को अपाहिज जो है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आई है और राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर के कह रहे हैं कि असुर शक्ति ने लोकतंत्र की हत्या के लिए जो है कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया। आइए अब बालाघाट की जनता से उनकी राय जानेंगे इन सभी चुनावी मुद्दों को लेकर के कि आखिरकार यहां की जनता क्या चाहती है। आपका क्या नाम हुआ सर? विनोद ठाकुर। कहां के रहने वाले हैं? प्रॉपर बालाघाट का। क्या लग रहा है सर माहौल चुनाव का? भाजपा का लग रहा है। भाजपा का लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको? भाजपा तो इस बार जो है एकदम नए प्रत्याशी को और सीधे पार्षद से सांसद का टिकट दे दिया। नया प्रत्याशी और इसकी कोई बात नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि ऊपर वाले जो लोग हैं, जो मोदी ब्रांड चल रहा है अभी, बस उसी कारण भाजपा को वोट देंगे लोग, ऐसा हमारा मानना है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी तो तुलना कर रहे हैं असुर शक्ति से, वो बीजेपी सरकार मोदी सरकार को असुर शक्ति बता दे रहे, दरअसल जो कांग्रेस के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं उसको लेकर। राहुल गांधी जी ने शक्ति के बारे में बोला था और उसके बारे में अब दूसरी पार्टी है उसका मतलब क्या निकालती है वो तो पार्टी दूसरी पार्टी वाले जाने, लेकिन राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट था अब वो किस संदर्भ में था वो बता पाएंगे नहीं। अभी फिर से उन्होंने वही शक्ति को लेकर अब और इलैबोरेट किया, उन्होंने कहा ये नफरत से भरी ये असुर शक्ति है, यह जो असुर शक्ति है ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसीलिए कांग्रेस के साथ ये कर रही है। शक्तियों के बारे में बोला जाए तो शक्तियाँ बहुत सी प्रकार की होती है, एक प्रशासन की भी शक्ति होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है और मध्य प्रदेश सरकार की भी होती है। अब उनने पॉलिटिकल रूप में बोला है, अब वो पॉलिटिकल का असुर और असुर शक्ति और कौन शक्ति उनके बारे में पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन शक्तियाँ के बारे में अगर कोई बोल रहा है तो अपन जैसे माता रानी को एक शक्ति का अवतार मानते हैं, उस संदर्भ में होगा तो वो गलत है बस। वो पहले दिग्विजय सिंह ने इलैबोरेट किया था उसमें कि नहीं ये असुर शक्ति है, मोदी सरकार को हम असुर शक्ति कहते हैं। अब दिग्विजय सिंह के संदर्भ में तो क्या बोला जाए, वो तो वो जो बात बोलते हैं कुछ बातें सही रहती कुछ बातें गलत रहती है, अब उसका मीन में एक दूसरे आदमी निकाल लेते हैं तो उसका उससे कोई तात्पर्य नहीं है। कांग्रेस ने ये भी कहा साथ साथ में इसी दौरान ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं बचा है, हमारे पास पर्चा छपवाने तक का पैसा नहीं बचा है, एयर क्या भेजे उनको रेलवे टिकट तक का पैसा नहीं बचा है हमारे पास, कांग्रेस कह रही है। मैं ऐसा नहीं मानता, 70 सालों जिसने राज किया उनके पास पैसा ना हो तो वो जो सवाल है उनका वो गलत लग रहा है। आपका क्या नाम हुआ?
दुर्गा प्रसाद सोनी। कहाँ के रहने वाले? बालाघाट। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, आने वाले थोड़ा टाइम के बाद देखेंगे। चुनाव भी घोषित हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, पहले फेज में चुनाव है यहाँ पर? हाँ हाँ, तो वैसे तो हमें ज्यादातर बीजेपी के रुझान दिख रहे हैं। बीजेपी का रुझान? हाँ हाँ। क्या कारण है, क्यों है बीजेपी के? हाँ, वो तो सत्ता है, आपको पता ही है, ऊपर से सत्ता चलते आ रही है बीजेपी की, तो आने वाले भी चुनाव हमको ज्यादातर बीजेपी की रुझान दिख रहे हैं। हाँ हाँ, भारतीय दीदी का ही सबसे ज्यादा रुझान दिख रहा है यहाँ, भारतीय दीदी का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, राहुल गांधी बहुत एलिगेशन लगा रहे हैं, वो असुर शक्ति से तुलना कर रहे हैं। हाँ, वो तो ऐसा है सर, सबका अलग अलग वो रहता है, तो वो तो सबकी राजनीति है, वो तो सब अपना अपना बताएंगे। ओके, आपका क्या नाम है? अतुल परिमल। आप किसकी सरकार लाना चाहते? केंद्र में तो बीजेपी की बनेगी, तो बीजेपी की लाना चाहेंगे, बीजेपी की लाना चाहेंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले लेकिन राहुल गांधी वो तुलना कर रहे हैं कि ये असुर शक्तियां हैं, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, वो अब असुरों के साथ जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कुछ भी बोलते हैं राहुल गांधी तो मनगढ़ंत कहानी, उनको टिकट नहीं मिल रही, कुछ हो नहीं रहा, इसलिए कुछ बोल रहे हो ऐसा ऐसा। वो तो लड़ रहे हैं वैसे वायनाड से, वही टिकटें बांटते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है ये सब स्टेटमेंट से होगा कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को? कुछ नहीं होगा फायदा, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी केंद्र में। आपका क्या नाम हुआ? नवदीप चौरसिया। कहाँ के रहने वाले? सिवनी से। यही लोकसभा तो यही लगती है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या है माहौल इस बार चुनाव? इस बार सर माहौल चुनाव का ऐसा है कि बीजेपी है, बीजेपी ही जीतेगी और चुनाव जीतेगी। फिर से हमारे मोदी जी सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री भी वही रहेंगे इस बार। राहुल गांधी तो बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो सब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये असुर शक्ति है, पहले शक्ति को लेकर आपका कि ये सब असुर शक्ति है मोदी सरकार। देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है बैठकर तो आवाज़ उठाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, बस उनका काम है, वो तो करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, अभी और कुछ बनाएंगे ताकि मार्केट में चले। अभी ये जैसे आप बता रहे हैं कि असुर शक्ति ये सब बोलें, बिल्कुल अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये सब चीज़ें वो जो लगातार कहते हैं, इससे फ़ायदा होता है उनको या नुकसान होता है? नहीं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि उनका उन्हीं का नुकसान होता है, बिल्कुल नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं वो अपना खुद का मजाक भी बनवाते हैं। केवल राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी भी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि कांग्रेस को जो है वो पीएम मोदी अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बोलना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी समय बाद टीवी में आकर कुछ बोला है, है ना, चुनाव का समय है तो वो आया, है ना, वैसे तो पता नहीं कहाँ थी इतने समय से, चुनाव आए तो आए, ये सर भैया परिवारवाद है और कुछ भी नहीं, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। बार तो रायबरेली से चुनाव भी नहीं लड़ा, राज्यसभा जा रही है तो। कुछ नहीं है, अब छुट्टी है उन लोग की, छुट्टी है बिल्कुल। वैसे मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची यहाँ लोगों तक? यार मोदी सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, हर किसी को उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी मतलब परेशानी तो होती है, यदि कोई चीज़ बदला जाता है, थोड़ी सी समस्या तो होगी, अभी झेल रही है जनता, कोई दिक्कत नहीं है। एक कमेंट इस पर लेना चाहूँगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आपने भी सुनी होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी ट्रिब्यूनल एक रहता है, उसने कांग्रेस के कुछ अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर दिए, और उनमें जो है कुछ करोड़ रुपये थे वो फ्रीज़ किए, दरअसल पैसे नहीं भरे थे कांग्रेस ने। अब उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो पर्चा छपवाने का पैसा नहीं है, रेल टिकट खरीदने का पैसा नहीं बचा है कांग्रेस के पास, ये थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट चाहिए कांग्रेस। सर पैसा तो अब क्या ही बोलें, इसके बारे में मेरे पास जवाब नहीं है यार, कांग्रेस ने 70 साल राज करी है, ठीक है, पूरे देश का धन हर चीज़ हर जगह से लूटा है, तो मतलब बोलने वाली बात ही नहीं कि पैसा नहीं है, बहुत पैसा उनके पास। चुनावी स्टेटमेंट? चुनावी स्टेटमेंट बीजेपी तो जीते गई, कंफर्म है। आपका क्या नाम हुआ? सोमेश बिसेन। कहाँ के रहने वाले? यहाँ बालाघाट से। बालाघाट से। क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव का तो बढ़िया माहौल है, भाजपा आना चाहिए, भाजपा ही आएगी भी, भाजपा आना चाहिए, काम अच्छा है सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़े दिन पहले कांग्रेस के कुछ अकाउंट सस्पेंड हुए, फ्रीज हुए थे इनकम टैक्स की तरफ से, उसके बारे में जानकारी नहीं है सर? नहीं, वो जो फ्रीज हुए थे उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है, बिल्कुल हम पर्चा नहीं छाप सकते, हमारे पास बिल्कुल हम जीरो हो चुके हैं। नहीं, वो ऐसे भी जीरो है ना, वैसे भी जीरो, ऐसे भी जीरो है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये सब असुर शक्तियां मिल गई हैं, ये मोदी सरकार, ये सब असुर शक्तियां हैं। वो तो सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, काम अच्छे हो रहे हैं और आगे भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए मोदी जी जिंदाबाद। सोनिया गांधी कह रही हैं कि पीएम जो है वो हमारी पार्टी को अपाहिज करने में लगे हूँ। नहीं, अब वो सबकी सोच है भैया, अपनी अपनी सोच के हिसाब से सब काम करते हैं ऐसा, बाकी सब बढ़िया है, यहाँ जोर है बाकी। जी जी, जोर है।
आपका क्या नाम हुआ? सबसे पूछेंगे एक एक करके। पंकज पटले। कहाँ के रहने वाले? परसवाड़ा से। क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल ऐसा है कि जैसे पिछले बार विधानसभा में इन लोगों ने जो बोला था बीजेपी ने कि अपने घोषणा पत्र में 3100 रुपए धान का बोला था, 2600 रुपए गेहूं का बोला था, ये चीजें तो कहीं नहीं कर पाए इन लोगों ने। तो उस बेस पे जो है ये कांग्रेस को वोट जाएंगी, शेयर जो है कांग्रेस को जाएगा वोटों का जो है। कांग्रेस का जैसे वो 2 लाख वाला वो हुआ था? नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता, उससे उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत लोगों को नहीं हुआ, 2-4 लोगों का, उसके बाद में खत्म हो गई कहानी सब उसकी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मिथिलेश भैरम। कहाँ के रहने वाले? हम चांगोटो लग हैं। आपको क्या लग रहा है? माहौल तो अभी ये लग रहा है कि बीजेपी का ही लग रहा है, पर वही है किसानों का थोड़ा सा मुद्दा यही है कि जो गेहूं का और धान का जो रेट, तो आचार संहिता लग गई है। हाँ, अभी तो अब कुछ हो नहीं पाएगा, अब देखो आगे की प्रक्रिया जो भी हो। अच्छा, सोनिया गांधी का बहुत दिनों बाद अब स्टेटमेंट आया। सोनिया गांधी कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी हमारी पार्टी को अपाहिज करने में लगे। अब वो तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम है रजत पटले। रजत जी, कहाँ के रहने? मैं खैरलांजी क्षेत्र से हूँ। आप बताइए आपको क्या माहौल? देखो मेरे जो खैरलांजी क्षेत्र है उधर ये माहौल है कि उधर तो अपन कांग्रेस ही और कांग्रेस को ही वोट देंगे उधर, यानी खैरलांजी वारासुनी बोलना चाहिए। जैसे पिछले बार के चुनाव में विक्की पटेल जी कांग्रेस से जीते थे, यानी मुद्दा ये बदलाव का है कि काफ़ी टाइम से बीजेपी है, तो अपना ऐसा है कि एक बार थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने भी इस बार टिकट चेंज किया है? हाँ, लेकिन ऊपर तो बीजेपी है ना, इधर तो नीचे तो टिकट चेंज किया है वो ठीक है, जैसे भारती पारदी जी को यहाँ से मिली है तो वो सही है, बट मैं अब ऐसा ओवरऑल खैरलान जी की बात करूँ तो बदलाव का सीन है बस। यानी कि उस क्षेत्र से वोट ज़्यादा कांग्रेस? यस यस यस। आपका क्या नाम हुआ? नैन बुढ़ान सर। कहाँ के रहने? लांजी से हूँ मैं। आप बताइए आपको क्या? अपने यहाँ पे बेरोजगारी के ऊपर वोट जाएगा इस बार, क्योंकि काफ़ी सालों से हो गया, 10 साल से बीजेपी की भी सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की भी थी, बेरोजगार है लड़के, इसके ऊपर वोट जाएगा। एमपी में गवर्नमेंट में भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, अभी आती भी है तो मतलब घोटाला हो जाता है वैकेंसी में। तो किस पर विश्वास जताएंगे इस बार? अभी दोनों पार्टी तो वैसी ही है, कांग्रेस बीजेपी, कोई ऑप्शन भी नहीं बचता अपने पास में, अब मजबूरी है इसलिए सेकंड बीजेपी को ही दो, ऐसा है, कोई ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे, दो ही पार्टी। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस में अगर प्रत्याशी के ऊपर आएगा, अच्छी प्रत्याशी अगर मिलता है यहाँ पे तो उसको फिर देंगे, कांग्रेस को सोचेंगे। काफ़ी लेट कर दिया उन्होंने, नोटिफिकेशन भी जा रही है, नोटिफिकेशन भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ से हिना कावरे का नाम है, अगर उसको मिलता है तो हम देंगे वोट उसको, हिना कावरे को, वो भी डिपेंड करेगा, डिपेंड करेंगे प्रत्याशी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? उमा शंकर सोनी सर। यहीं के रहने वाले? मैं परसवाड़ा क्षेत्र से आता हूँ। आप बताइए आपको क्या माहौल? परसवाड़ा तो कांग्रेस ही रही है, इस बार भी कांग्रेस ही तरफ जाएगा परसवाड़ा, वहाँ का वोट कांग्रेस, कांग्रेस जो फिक्स है, जैसे जो कांग्रेस का गढ़ है वहाँ से कांग्रेस को वोट जाएगा, जो बीजेपी का गढ़ है वहाँ से बीजेपी को जाएगा सर। ऐसा ही हाँ, प्रत्याशी और ऊपर वो बाकी चीज़ों पे वो उतना मायने नहीं रखता इसमें। हाँ। पर ऐसा है कि सरकार चेंज होना चाहिए, बदलाव से ही आम जनता का फायदा होता है, तो वही है कि सरकार वही रही थी तो सोचती कि हम तो सही कर रहे हैं, आम जनता को उसमें कुछ फायदा नहीं मिलता। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमारे पास तो पर्चा छपवाने तक का पैसा नहीं है। अब देखो ऊपर का है, अब क्या बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, देखो क्या होता है, तो जो भी होगा देखिए जाएगा, दो ही तो पार्टी है अभी फिलहाल। ठीक है ना सर।